आप देख रहे हैं द फुल छड़ी। लोगों में बदलती लाइफस्टाइल और तौर तरीके के कारण कई ऐसी बीमारियों का आगमन होता जा रहा है जो इंसान के जीवन में हमेशा के लिए घर बना लेती है और पूरे जीवन काल के लिए दवाइयों का सहारा लेने पर मजबूर कर सकती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड इन बीमारियों की गिनती में आती है और अगर देखा जाए तो हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति के शरीर में ऐसी बीमारियां पाई जाती हैं। पर इन बीमारियों से पार पाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। जी हाँ, रोगी व्यक्ति में इन बीमारियों को लेकर कई बार देखा गया है कि वे अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कई आम तरीकों से भी इसका समाधान हो सकता है, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर लोग ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों के चपेट में कैसे आ जाते हैं। आपको बता दें कि उच्च रक्तचाप भारत में सबसे आम बीमारियों में से एक है। इसके पीछे प्रमुख कारण तनाव है, जो विशेष रूप से आज के समय में अधिक है और इसका नियंत्रण करना भी मुश्किल है। यह बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे सकता है और एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि इस बीमारी के लक्षण जल्दी पता नहीं चल पाते। पहले यह बीमारी बड़े बुजुर्गों को हुआ करती थी, हालांकि आज इसके चपेट में युवा भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ता है तो इसे कंट्रोल करने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से हाई ब्लड प्रेशर या फिर उच्च रक्तचाप की समस्या हो जाती है। उच्च रक्तचाप की समस्या होने के कई कारण हो सकते हैं। किडनी की बीमारी, अल्कोहल का अधिक सेवन करना, नींद की समस्या, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड आदि की समस्या के कारण हाई ब्लड प्रेशर बीमारी हो सकती है। इसके अलावा यह अनुवांशिक रूप से भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कि कैसे बिना दवाइयों के ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से पार पाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए वजन घटाना जीवन शैली में सबसे प्रभावी परिवर्तनों में से एक है। जी हाँ, सिर्फ 10 पाउंड यानी 4.5 किलोग्राम वजन कम करने से आपके रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। सामान्य रूप में पुरुषों को खतरा होता है यदि उनकी कमर की माप 40 इंच यानी 102 सेंटीमीटर से अधिक है। महिलाओं को खतरा होता है अगर उनकी कमर की माप 35 इंच से अधिक है। जी हाँ, दूसरी बात, नियमित शारीरिक गतिविधि। जी हाँ, सप्ताह में अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट आपके रक्तचाप को 4 से 9 मिलीमीटर पारा तक कम कर सकती है यह व्यायाम। जी हाँ, व्यायाम का लगातार करते रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप व्यायाम करना बंद कर देते हैं तो आपका रक्तचाप फिर से बढ़ जाता है। तीसरी बात, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी से निजात पाने के लिए स्वस्थ आहारों का सेवन करना चाहिए, जिसमें साबुत अनाज, फल, सब्जियां और कम वसा वाले डेयरी उत्पादों से भरपूर आहार खाने और संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल पर कंजूसी करने से आपका रक्तचाप 14 मिलीमीटर HG तक कम हो सकता है। इस खाने की योजना को उच्च रक्तचाप यानी डैश आहार को रोकने के लिए आहार दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। चौथी बात, अपने आहार में सोडियम की थोड़ी सी भी कमी रक्तचाप को 2 से 8 मिलीमीटर HG तक कम कर सकती है। रक्तचाप पर सोडियम के सेवन का प्रभाव लोगों के समूहों में भिन्न भिन्न होता है। सामान्य तौर पर सोडियम को एक दिन या उससे कम 2300 मिलीग्राम से कम तक सीमित करें। पांचवी बात, शराब आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी और बुरी दोनों ही हो सकती है। कम मात्रा में यह संभावित रूप से आपके रक्तचाप को 2 से 4 मिलीमीटर HG तक कम कर सकती है और अधिक मात्रा में ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। छठवीं बात, आपके द्वारा धूम्रपान की जाने वाली प्रत्येक सिगरेट आपके रक्तचाप को कई मिनट तक बढ़ा देती है। धूम्रपान छोड़ने से आपके रक्तचाप को सामान्य करने में मदद मिलती है। उम्र की परवाह किए बिना धूम्रपान छोड़ने वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा में काफी वृद्धि होती है। बात करें सातवीं बात की, रक्तचाप में कैफीन की भूमिका पर अभी भी बहस चल रही है। कैफीन उन लोगों में रक्तचाप को 10 मिलीमीटर HG
तक बढ़ा देती है जो शायद ही कभी इसका सेवन करते हैं। लेकिन आदतन कॉफी पीने वालों में रक्तचाप पर बहुत कम या कोई मजबूत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन सब में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।